मेरा नाम सागर है, कक्षा 10th एक्सलेंस स्कूल ऑफ पांडुरना। मैं मरकाड़ा गांव से हूँ। यहाँ से मेरा गांव पांडुरना शहर से मेरा गांव 45 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से भी मुझे 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे कच्ची सड़क है, सड़क बनी नहीं है, और सड़क कच्चे होने के कारण उधर नीचे बस उतर नहीं पाती है, और कभी कभी हमें अंधेरा हो जाता है तो हमें पैदल ही जाना पड़ता है, और अंधेरे में डर लगता है। कभी कभी ऐसा हो चुका है मेरे साथ। और मैं यहाँ पे 6ठी से 5वीं तक रह रहा हूँ। वातावरण बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ पे शिक्षा की कमी होने के कारण वहाँ पे दारू पीते हैं, कभी त्योहारों में झगड़ा होता है तो मारपीट होती रहती है, यानी कि सबसे ज़्यादा अशिक्षा के कारण ही ये सब होता है। तो ऐसा होता है, मेरे पिताजी मजदूर है, वह भी शराब पीते, पहले पीते थे, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया उन्हें समझा तो वह भी बहुत कम पीते। मम्मी भी मजदूर है, वो भी खेत में काम करने जाती। गांव में जब मैं था पहले से 5वीं तक, वहाँ पे टीचर तो अच्छे थे, लेकिन जो पढ़ाई शहर में होती है और जो जितनी जानकारी शहर में मिलती है वो गांव में मिल नहीं पाती, क्योंकि वहाँ पे वातावरण ठीक नहीं रहता। गांव में हल्ला बहुत होता है और वहाँ पे कुछ टाइम ही नहीं रहता, कभी भी खेलो, कभी भी घूमो फिरो, कोई बताने वाला ही नहीं रहता। और जब से हॉस्टल में आया यहाँ पे हर कोई बताते रहता है कि पढ़ना चाहिए, समय समय पे हर कोई कार्य समय पे करना चाहिए, समय यानी कि उठना भी समय पर चाहिए, सोना समय पर चाहिए, नहीं तो गांव में कभी भी आए स्कूल से आए बकरी ढोर चराने चले जाता था मैं, ढोर बकरी चरा कर आता था, फिर उधर से आता था, पढ़ने का मन हुआ तो पढ़ता था, नहीं तो टीवी देखता था, नहीं तो सो जाता था। वैसे ऐसे 5वीं में भी आया था, तब भी मुझे कुछ समझता था नहीं, तो तब भी मैं पढ़ा, अब मुझे कुछ प्रतिशत समझता था नहीं, तब भी मैं पढ़ा तो मेरे 67% बने। तो फिर मेरे पापा पहले से हॉस्टल में पढ़ चुके, वो भी 10th तक पढ़े हॉस्टल में, तो उन्हें पता था, तो उन्होंने मुझे हॉस्टल में डाला, और उसके बाद फिर मुझे हॉस्टल के लड़कों ने बताया, जो बड़े लड़के थे, जब मैं 6th में था तब 10th के लड़के मुझे बताते थे कि ऐसा नहीं करना पड़ता, ऐसा करना पड़ता, समय पे डेली स्कूल जाना पड़ता, समय पे आना पड़ता, खाना समय पे खाना पड़ता है, इस प्रकार से उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, और इस अभी मैं इस प्रकार से बोल सकता हूँ। नहीं तो पहले ये कंडीशन थी कि मैं बहुत डरता था, बोल भी नहीं पाता था मैं। यही एक प्रॉब्लम है कि गांव में कोई बताने वाला ही नहीं रहता, और शहरी क्षेत्र में नए नए खबरें प्राप्त होती है, कोई भी बताते रहता है कि नहीं वहाँ पे ऐसा हुआ, आज ये इंडिया हार गई, ये वो। वहाँ पे तो कुछ समझता ही नहीं था कि क्या इंडिया क्या होती है, पाकिस्तान क्या था, कुछ भी नहीं समझता था। प्रत्यय एडिशन लैब में, यानी कि जब मैं 9th या 8th में था तब यह हॉस्टल पांडुरना में था, तो अभी यह नया बना तो यहाँ पे कार्य चालू हुआ। उससे पहले पार्डी रोड पे हॉस्टल था, वहाँ पे 2-3 लैब हो चुके हैं प्रत्यय एडिशन लैब के। मोटर बलून वाला सिखाए, बलून जब उसे धागे से बांधते हैं तो उसे वो कैसे, जैसे उसे छोड़ते वैसे वो ऐसे जाता है जैसे कि वो कोई भिंगरी है, ऐसे धागे से ये इस छेले से उस छेले तक डायरेक्ट जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई भिंगरी है और भग रहा है, ऐसा लगता है। और मोटर में सेल, ऐसा लगता है विज्ञान के इसमें ऐसा लगता था जैसे कि जादू हो रहा है कुछ ऐसा लगता था। और स्कूल में ऐसे पढ़ाते हैं, चित्र देख कर ही बताते, और हॉस्टल में जब ये प्रत्यय एक्टिविटीज लैब आया तो हमें अपने हाथों से करने के लिए मिला, हमें पता चला कि नहीं ये भी होता है, नहीं तो इससे पहले हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, ये पंखा कैसे घूमता है, टीवी कैसे चलता है, वहाँ पे चित्र कैसे आता है, ये कुछ पता ही नहीं चलता था। यहाँ पे आने से हमारे हाथों में मिलता था, हम रिमोट बनाना सीखे, बटन बनाना सीखे, और वो एक माउस रहता है जो ऐसे जाता है और उसे कुछ, यानी कि उसकी आँखें रहती है ना, कुछ रहता ना, कुछ भी नहीं रहता उसे, फिर वो जाता है और अपना रास्ता देख लेता है पहले कि किधर क्या अपना रास्ता है, वो सब देख लेता है,
और ऐसे ऐसे जाता है तो पहले पूरे रास्ते चेक कर लेता है कि कहाँ से उसे अच्छा रास्ता मिलेगा, उसके बाद पूरे रास्ते ढूंढकर जगह पे आ जाता है। और उसके बाद अगर अपन उसे भेजेंगे तो सबसे शॉर्ट वाला रास्ता वो सीधा जाता है और जहाँ उसका लक्ष्य है वहीं पे वो डायरेक्ट पहुँच जाता है। रुचिकर ये दो ही चीज़ें लगी मुझे, जो ये रास्ता ढूंढने वाला और एक बम ढूंढने वाला, जो वहाँ पे एक कैमरा का कैमरा लगा रहते हैं और उसे अपने रिमोट अपने हाथ में रहता है और उसे यानी कि कोई मानव है उसका रिमोट अपने पास है और उसे चलाना है। अब वो कहाँ क्या बम है, कहाँ किधर किस प्रकार से, यानी कि बिना खतरे के उस बम को निकाल कर सुरक्षित उसे डिफ्यूज यानी कि उसे निकाल कर फेंक सकते हैं, उसमें कोई खतरा ही नहीं है। वो बॉटल जब वो हवा भरते थे और वो बॉटल को फुल नहीं भरते थे, हाफ ही भरते थे, उसमें उसे मजबूत पकड़ के उसमें गैस भरते थे, जब वो उड़ता था ऐसे लगता था जैसे कि वो जो मिसाइल उड़ता है ना वैसे लगता था, तो उससे कुछ और नया बनाने की चाह होती थी। मोटर पहले छोटा बनाया हमने मोटर, तो उसमें जो पैसे लेकर जो हम खरीदते उससे बड़े अपने हाथों से बनाकर हम घर में ही उसका उपयोग करें तो उसमें पैसे की बचत होती है और अपना ज्ञान भी बढ़ता है। तो हमने यहाँ पे छोटा सा मोटर बनाए थे, यानी कि छोटे कचरे से बनाए थे, उसे भी एक मोटर सेल और वगैरह वगैरह लाइट भी था, उसमें पाइप था उससे यानी कि जो कुएं में लगाते हैं हम उससे पानी निकलता है मोटर से, वो वाला मोटर हमने बनाए थे। यहाँ स्कूल में बताते हैं कि इससे होता है उससे होता है, उससे को समझ में आता ही नहीं, आता भी है तो चित्र में ये पार्ट यहाँ लगता है वो पार्ट वहाँ लगता है, वैसे में कुछ उतना मज़ा नहीं आता जितना हाथ में करने के लिए मिलता है। हाथ में पता चल जाता है कि नहीं वहाँ लगाओ तो ऐसा होता है, और चुंबक से उसकी धारा कितनी है, वोल्टेज कितना है, सेल में वोल्टेज कितना है, वो सबसे छोटा सेल रहता है उसमें 1.5 वोल्ट है, ऐसा सब कुछ यानी कि हाथ से करने के लिए मिले तो सब कुछ पता चलता है। करने में जैसे कि मोटर बनाने में पहले ऊपर किताब से पढ़ लिए, नहीं इसमें कार्बन ब्रश होता है, इसमें सर्कुलर होता है, इसमें सेल होता है, इसमें माइनस प्लस, अब माइनस प्लस किसे बोलते हैं ये तो समझता था, लेकिन सेल में किस प्रकार से होता है इस प्रकार से समझ में नहीं आता था। जब सेल को पकड़े, जब कुछ लोग यानी कि भैया लोग बताते थे कि नहीं इसमें माइनस ये होता है प्लस ये होता है, तो उसमें फटाफट आइडियाज यानी कि क्वेश्चन आने लगे कि नहीं ये घूमता तो घूमता क्यों है, इसमें फिर ये जो कुंडली है ये इसे दोनों तरफ छिलने से ही क्यों घूमता है, और फिर दोनों तरफ से छिलने से घूमता है, एक तरफ से आधा क्यों छिलते, दोनों तरफ से पूरा क्यों छिलते, इस प्रकार से क्वेश्चन अजीब से क्वेश्चन आते थे। किताब में भी है और वही वाला स्कूल में चित्र द्वारा बताते हैं और यहाँ पे हाथ से करने के लिए मिल जाता है, तो उसमें और भी सहायता हो जाती है कि नहीं ये वाकई में है, और जब हाथ से करने के लिए मिलता है जो क्वेश्चन है उसका आंसर इधर ही मिल जाता है। ग्रुप लर्निंग में यानी कि अकेले करो तो अकेला का दिमाग लगता है उसमें, तो ग्रुप लर्निंग में करो तो नहीं ये कोई बोलता है नहीं इसे ऐसा करके देखो और कोई बोलता है इसको ऐसा करके देखो, तो वैसे वैसे में कुछ नया भी मिल जाता है उसमें, और कुछ जो करना है वो जल्दी प्राप्त हो जाता है, और किसी का दिमाग और ज़्यादा चलता है यानी कि वो उसमें बहुत पढ़ा है और वो बताता है हमें कि नहीं इसे ऐसा करके देखो ये होता कि नहीं। इससे पहले जब भी मैं पढ़ता था यानी कि 8th तक पढ़ा तब तक मैं रट्टा है मारा, और गणित में स्कूल में पढ़ता भी था तो कोई आते नहीं थे मुझे सवाल, तो मेरे में हिम्मत ही नहीं रहता था कि नहीं मैं उठ के खड़ा होकर पूछ लूँ कि ये नहीं ये इसे डबल से पढ़ाओ, वैसे मेरे में हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन जब मैं 2 साल से देख रहा हूँ तो नहीं मुझ में हिम्मत आई और मैं 9th में भी खड़े होकर क्लास में पूछा सवाल। पहले जब मैं पढ़ता था तब गहराई से नहीं पढ़ता था, ऊपर पढ़ता था तो क्वेश्चन आते ही नहीं थे, जब मैं 2 वर्ष पढ़ रहा हूँ जब भी पढ़ता हूँ गहराई से पढ़ता हूँ तो फटाफट क्वेश्चन तैयार हो जाते, नहीं ये ऐसा क्यों होता है, इसमें ऐसा क्यों होता है, उसे होता है तो इसे करना ही है, एक बार निश्चित कर लिए कि नहीं इसे करना चाहिए तो करना चाहिए। जब हम ये साइंस की चीज़ें करते थे तब हमने सोचा कि नहीं और कुछ नया किया जाए, तो नए में हमने सोचा कि नहीं क्यों ना हम
हॉस्टल में ही थिएटर बना ले, थिएटर टीम बना ले, और उसमें थिएटर की तरह ही कुछ हफ्ते में एक घंटा ही सही, रविवार के दिन, संडे के दिन नाइट में 1 घंटा ही सही थिएटर की तरह ही कुछ मनोरंजन हो जाए। तो उसमें हमने भैया के साथ बात करना शुरू किए, तो उसी प्रकार से हमारा एक नाटक हो चुका है जो जिसका पढ़ाई पे भी सहायता था और बहुत सारी क्रिएटिव में सहायता थी। तो उसमें हमारे हॉस्टल में एक नाटक टीम भी बनना चाहिए, यानी कि बनाएंगे हम, उसमें भी काम करना हम शुरू कर दिए। प्रत्यय एक्टिविटीज टीम है, उसमें और भी कुछ नए में सहायता तो है, वैसे करने के लिए जो वस्तुएं वो चाहिए, अलग अलग विषयों में चाहिए, जैसे कि नाटक हो गया, एक नाटक कहानी सुनाने वाले, और कुछ जीके के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में, और भी साइंस के बारे में, प्रकृति के बारे में, और भी कुछ सहायता चाहिए। जितने भी हम बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास जो वस्तु है, सामान है, वही प्राप्त नहीं है। तो चूंकि हम बहुत सारा काम तो कचरे की चीजों और आसपास मिलने वाली चीजों से करते हैं, तो क्या जो हम मॉड्यूल्स करते हैं, क्या उसके लिए जो प्रोजेक्ट हम जब तुम्हें देते हैं, तो प्रोजेक्ट तुम लोग जमा करके ढूंढ के कचरे से नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी तार वगैरह ढूंढना पड़ता है। फिर हमने बनाए भी है मोटर, वो जनरेटर बनाए है, और वगैरह वगैरह बनाए, लेकिन वो रिमोट बनाने के लिए और भी वस्तुएं लगती है, जो कि और थोड़े बहुत पैसों से लेना पड़ता है उन्हें। जो पुस्तकालय है हमने बनाया है, उसमें किताबें चाहिए पढ़ने के लिए, और जो पढ़ने के लिए बेंचे चाहिए, तो हमने डाइनिंग टेबल को ही वहाँ लगा दिए, और उसमें बैठकर हम पढ़ते हैं। यह प्रोग्राम मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये हर वर्ष यानी कि कंटिन्यू चलता रहे, ये कभी बंद ही ना हो, यानी कि हमारे आने वाले छोटे भाइयों के लिए यह सहायता है यह कार्यक्रम, और इसमें जितने भी हमारे गांव से हमारे छोटे भाई लोग आते हैं, उन्हें उतना ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि गांव में कोई बताने वाला नहीं रहता, तो उसमें यह सहायता देता है, और इसमें जो भैया लोग आते हैं वो हमें बताते हैं कि नहीं, गांव में ऐसा होता है, तो हमें यहाँ पे ऐसा करना है, और गांव के लोगों को और भी अच्छा बेहतर बनाना है, तो इसमें सहायता करता है। अगर यह प्रोग्राम बंद हो गया तो ये जितनी भी मदद मिलते हैं हमें, यह नहीं मिल पाएंगे, और बताने वाला कोई रहेगा नहीं। सहायता देना चाहता हूँ कि नहीं, मैं भी ये भैया लोगों की तरह मैं भी कुछ करूँ, इन्हीं के जैसा मैं कुछ करूँ, और इनका हिस्सा बनूँ, और मैं भी किसी को बताऊँ कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ये जिज्ञासा मेरे मन में भी आती है। और मैं बड़ा हो जाऊँगा, यानी कि जब मेरी पढ़ाई कंटिन्यू चालू भी रहेंगी, और मैं भी इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता हूँ। जब से प्रोग्राम शुरू हुआ तब से मेरे में बदलाव सा आने लगा, यानी कि मेरे सोचने की क्षमता और बढ़ने लगी, मेरे में क्रिएटिव करने की और भी क्षमता बढ़ने लगी, नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मैं उसी गहराई में जाने लगा, और भी पढ़ने लगा, मुझे लगा नहीं अब मुझे कुछ करना है। मैंने जो जब मैं छोटा था तब मैंने एक सपना सोचा था, जब मेरे गाँव में शराब बहुत पीते थे और झगड़ा करते थे, तो जब मैं छोटा था तब मैंने सोचा था कि नहीं मुझे बड़ा होकर पुलिस बनना है, और पुलिस बन के मैं मेरे गांव में जितने भी शराबी लोग है इन्हें पकड़ के मैं सुधारूं और अच्छा करूं कुछ, इसमें मैंने सोचा था। यार जब मैं हॉस्टल में आया तब मुझे ये सारी चीज़ें पता चलने लग गई कि नहीं गांव में ही जीवन नहीं है, गाँव से बाहर निकलने भी और कुछ मजा है, दुनिया बहुत बड़ी है इसे देखने के लिए, और बहुत टाइम है अभी।